हेलो फ्रेंड्स, आई हूं सिग्मा। थैंक्स फॉर क्लिकिंग वीडियो। जो ऑर्डिनो का जो बेसिक ट्यूटोरियल है उसमें ये एट्थ वीडियो है। अभी तक हमने ऑर्डिनो के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए और उसमें काफ़ी कुछ हमने सीखा है। एक बेसिक से हम थोड़े एडवांस तक आए हैं। तो अभी जो बेसिक है उसके 5-6 और वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। सो ये एट्थ वीडियो है इस ट्यूटोरियल का। इसमें हम करेंगे RGB LED का यूज़ ऑर्डिनो के साथ। तो RGB LED क्या होता है, इसमें 3 कलर्स होते हैं जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। इस 3 कलर से हम मल्टीपल कलर प्रोड्यूस करेंगे। आप उसी तरीके देख सकते हो, ये डायरेक्ट चेंज हो रहा है वन कलर टू अनदर, ब्लिंक कलर, ये डायरेक्ट चेंज हो रहा है वन कलर टू अनदर। और इस तरीके से हम करेंगे, और जो सेकंड होगा उसको हम करेंगे वो स्लोली कन्वर्ट होगा वन कलर टू अनदर। आप देख सकते हो स्लोली चेंज हो रहा है एक कलर से दूसरे कलर में। ये दोनों हम करेंगे। और अगर आपको एडवांस करना है इसमें LED का, RGB LED के साथ, RGB LED और Arduino के साथ अगर आपको एडवांस जाना है और बेटर करना है, तो इसके लिए मैंने 3 साल पहले मैंने ट्यूटोरियल चलाया था जिसमें मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, वो सारे एडवांस टॉपिक्स थे। तो उसमें मैंने RGB LED का यूज़ किया था। तो उसमें मैं ऐप से मैंने RGB LED के कलर्स को कंट्रोल किया था। कुछ आप एक एग्जांपल दे सकते हो। तो ये वीडियो में मैं ऐप से उसमें मल्टीपल कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, वो RGB LED वैसा कलर का ग्लो हो रहा है। तो ये मैंने 3 ईयर पहले मैंने कुछ वीडियोज़ बनाए थे Arduino के ऊपर इसी चैनल पर, और वो आप जाके देख सकते हो। उसमें और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उस प्लेलिस्ट में। कुछ ये आप देख सकते हो, कुछ एग्जांपल्स। इसका पासवर्ड है 123। जैसे ही पुट करेंगे ग्रीन LED जलेगी और जो हमारा डोर है वो ओपन हो जाएगा। 123, हमारा डोर ओपन हो गया, देख सकते हो डोर ओपन हुआ और ग्रीन LED जल गई। अब रीसेट करने के लिए स्टार बटन प्रेस करेंगे, डोर क्लोज, रेड LED ग्लो करेगी। जब तक धुआं रहेगा अलार्म बजता रहेगा, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई अलार्म बजना बंद हो जाएगा अपने आप। तो ये सारे एडवांस टॉपिक्स में पहले बना चुका था। तो फिर मैंने एक बेसिक ट्यूटोरियल स्टार्ट किया। तो इसमें मैंने जैसे शो किया कि RGB LED को 2 तरीके से हम ग्लो करेंगे। फर्स्ट, डायरेक्ट कलर चेंज हो रहा है, सेकंड स्लोली कन्वर्ट हो जा रहा है एक कलर से दूसरे कलर में। तो ये दोनों को हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट आते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में बहुत ही सिंपल सर्किट डायग्राम है। उससे पहले मैं RGB LED को एक्सप्लेन करता हूँ। आप देख सकते हो RGB LED, इसमें 4 टर्मिनल्स होते हैं RGB LED के अंदर। इसमें सेपरेटेड 3 LEDs होती हैं, आप ये कह सकते हो। सबका नेगेटिव कॉमन होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। अब इसमें 3 LEDs होती हैं। आप जिस टर्मिनल देख रहे हो, फर्स्ट टर्मिनल जो होता है रेड होता है, सेकंड आप नेगेटिव कह सकते हो, थर्ड ग्रीन, फोर्थ ब्लू। तो नेगेटिव के साथ अगर आप पॉजिटिव सप्लाई किसी में भी प्रोवाइड कराओगे, अगर सिंगल टर्मिनल में, जैसे आपने रेड में पॉजिटिव दे दिया और नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, तो ये सिर्फ रेड LED ग्लो होगा इसमें। वैसे ग्रीन के साथ है, वैसे ब्लू के साथ है। तो ऐसे आप जो नेगेटिव के बाद जो तीनों टर्मिनल्स हैं, तीनों पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, नेगेटिव अब कॉमन है तीनों का। तो पेंटिंग में आपने देखा होगा कि हम डिफरेंट डिफरेंट कलर मिक्स करके एक अलग कलर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप, हमारे पास 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, अलग अलग क्वांटिटी में मिक्स करते हैं और एक नया कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो वैसे ही RGB LED काम करता है। हम उसमें जैसे कलर मिक्स करने की जगह, क्वांटिटी की जगह, वो वोल्टेज होती है, किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी को ऑफ, किसी को ऑन। तो वो जो कलर ग्लो होते हैं तो एक डिफरेंट कलर हमें दिखता है आँखों से। तो वही हम इसमें करने वाले हैं। अब देख सकते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम फिर बिल्कुल सर्किट डायग्राम सिंपल है। 3 रजिस्टर है, ऑरेंज, ऑरेंज, ब्राउन, तीनों टर्मिनल में है। और नेगेटिव को हमने डायरेक्ट ग्राउंड कर दिया है और तीनों टर्मिनल को हमने पिन नंबर 9, 10, 11 में कनेक्ट कर दिया। और सिंपल कनेक्शन, यही सर्किट डायग्राम है, आप देख सकते हो। अब हम देखते हैं कोड का थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं कि कोड में ऐसा क्या कर रखा है कि जो RGB 3 पिन को हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक कोड का ओवरव्यू लेते हैं। तो देख सकते हो ये कोड है हमारे पास। इसमें जैसे लास्ट मैंने शो किया था कि हमने फंक्शन का यूज़ किया है, तो इसमें भी मैंने वैसे ही कुछ किया है। डिफरेंट डिफरेंट जो तीनों LEDs हैं उसके कॉम्बिनेशन से हम जो कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं,
RGB है वो मैं शो करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट किया हमने, तीनों पिन का डिफाइन किया है कि कौन सी पिन नंबर पे वो कनेक्टेड होंगे। तो जो जो रेड है जो फर्स्ट पिन है वो 9 पे कनेक्टेड है, जो 10 है वो ग्रीन है और ब्लू 11। हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि जो LED का पिन है वो किस से कनेक्टेड है, और उसके बाद हमने जो डिले टाइम दे रखा है 1 सेकेंड का यहाँ पे दे रखा है। जो 3 पिन है वो सेम हम जैसे हर बार करते हैं, जो हमारे आउटपुट पिन होते हैं उसको हम यहाँ पे सेट करते हैं, तो वो यहाँ पे हुआ पिन मोड। अब इसके बाद जो लूप है उसके अंदर हमने फंक्शन कॉल कर रखा है, तो फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पे आती लूप में, और लूप में है तो ये बार बार इस फंक्शन को कॉल करेगा, जब तक आपका ऑडियो ऑन रहेगा तब तक ये कॉल होता रहेगा लूप। ओके, और इसके बाद जब यहाँ पे देख सकते हो आप, फर्स्ट थिंग जो राइट करते हैं हम, तो इसने सबको लो कर दिया, मतलब LED सब ऑफ होंगी फर्स्ट, ठीक है। और ये डिले टाइम है 1 सेकेंड, तो मतलब 1 सेकेंड तक जो LEDs हैं ऑफ रहेंगी। फिर उसके बाद रेड ग्लो होगा, तो रेड ग्लो होगा तो सिर्फ पिन नंबर रेड को जो है उसको हाई कर रखा है, बाकी दोनों को लो कर रखा है, तो सिर्फ रेड ग्लो होगा। फिर वैसे ही ग्रीन को हाई कर रखा है और दोनों को लो कर रखा है, तो सिर्फ ग्रीन ग्लो होगा। सेम ईयर ब्लू हाई है, फिर यहाँ पे मिक्स किया है रेड और ग्रीन को, जो कि येलो प्रोड्यूस कर रहा है, थोड़ा येलोइश लगेगा आपको पर ऑरेंज हल्का लगेगा। तो आपको अगर सही से कलर देखना है तो क्या होता है, आप LED पे डायरेक्ट देखोगे तो आपको जो आईज है वो डिफाइन कर लेंगे कि दो कलर वहाँ पे दो LED ग्लो हो रही है, लेकिन जब आप किसी वॉल की तरफ उसे शो करोगे, उसकी लाइट को डालोगे, तो वॉल पे जो कलर बनेगा वो थोड़ा सिमिलर होगा। सेम यहाँ पे हमने फिर ग्रीन और ब्लू को हाई कर दिया है, इस बार हमने मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम हाई कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट चेंजेस करें, और इस बार तीनों को हाई कर दिया। फर्स्ट हमने 1-1 करके ग्लो कराया, फिर उनके दो दो के कॉम्बिनेशन में ग्लो कराया, फिर तीनों को हाई कर दिया। बस यही कॉम्बिनेशन था, हाई और लो का इस्तेमाल कर रहे हैं फर्स्ट, सिंपल, बहुत ही सिंपल था फर्स्ट ये है। तो इसका आउटपुट जो होगा वो आप ये देख सकते हो, डायरेक्ट चेंज हो रहा है। तो इसमें देख रहे हो कि जो कलर्स हैं वो एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं, स्विच हो रहे हैं, 1 सेकंड डिले हो रहा है, डायरेक्ट स्विच हो जा रहा है। ये आप टाइम कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब जाते हैं सेकंड पे, इसको कमेंट कर देते हैं सेकंड पे। सो स्पेक्ट्रम इसमें क्या है कि ये फेड होगा, मतलब जैसे फेड इन फेड आउट बोलते हैं, वैसे एक कलर से दूसरे कलर में स्लोली कन्वर्ट होगा। तो ये फंक्शन पे चलते हैं, ये रहा फंक्शन। तो इस फंक्शन में क्या किया हमने, एक फॉर लूप यूज़ किया, ठीक है। फॉर लूप में एक हमने वैल्यू प्रोवाइड कराई है, ठीक है। एक मैंने RGB फंक्शन बनाया है, या RGB फंक्शन, इसको मैं फॉर लूप के अंदर कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर लूप के अंदर कॉल कर रहा हूँ, मैं एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन ऐसे किसी भी कॉल कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसके नीचे यहाँ पे एक इंटर दूँ और ये जो ऊपर वाला फंक्शन था उसको यहाँ पे कॉल कर दूँ, तो वो भी कॉल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो अब क्या हुआ कि यहाँ पे फॉर लूप चल रहा है। फॉर लूप में सिंपल मैं कहाँ से चलाऊँ, 0 से चला रहा हूँ 767 तक, वैल्यू तक चला रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, मतलब कि ये इतने तक फॉर लूप चलेगा, 0 से इतनी बार फॉर लूप चलेगा 0 से। लेकिन ये आपको लग रहा है कि भाई 700 टाइम्स या 800 टाइम्स चल रहा है, पर ये बहुत फास्ट हो जाएगा, बहुत फास्ट। ये 10 मिलीसेकंड डिले, और ये 10 मिलीसेकंड काफ़ी है। अगर मैं अभी शो करूँगा 10 मिलीसेकंड और 50 मिलीसेकंड दोनों का, कि क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क हो जाएगा। तो ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है और ये डिले ऐड कर रहा है। तो ये डिले आप किस चीज़ का ऐड हो रहा है, एक कलर से दूसरे कलर में जो स्लोली चेंज हो रहा है वो टाइमिंग है। इसको आप बढ़ा घटा के, जो LED स्लोली चेंज हो रहा है दूसरे कलर में, वो आप उसका टाइम को कम ज़्यादा कर सकते हो इसको चेंज करके। अब यहाँ से RGB कॉल हो रहा है, इसमें X की वैल्यू जा रही है, X की वैल्यू मतलब जो भी ये पहले 0 जाएगा 1, 2, 3, 4 ये वैल्यू तक जाएगा। ओके, अब ये RGB ये रहा, यहाँ पे हम एज ए इनपुट ले रहे हैं कलर, जो ये वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे कलर बन गया अब, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स भी ले सकते हो, कलर भी ले सकते हो, कोई भी नाम ले सकते हो यहाँ पे, वो पैरामीटर में वही वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल बना दिया है, रेड के लिए, ठीक है, ग्रीन के लिए और ब्लू के लिए। कोई अगर LED बहुत कम ग्लो हो रही है तो उसकी कम इंटेंसिटी है, ठीक है, कोई ज़्यादा ग्लो हो रही है ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो इसको। और वैसे ही इसमें एक कलर लेना, इसमें रैंडम वैल्यूज हमें प्रोवाइड कराएगा, जो भी इसमें वैल्यू जाएगी 0 to 767। तो इसमें से क्या हुआ, इसमें ये इनपुट वैल्यू प्रोवाइड होगा इसके रेंज के अंदर, ओके, तो वो हमें ये प्रोड्यूस कराएगा। और फिर हम उसको यहाँ पे सेट कर रहे हैं इफ एल्स में, कि अगर ये इस वैल्यू से ज़्यादा इक्वल है तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। आप सिंपल गो थ्रू हो सकते हो इसके साथ,
पर मैं चाहूँगा कि आप पहले इसे यूज़ करो, आप पहले कमांड करो चीज़ों पे और इसको स्टडी करो। मैं सिंपल एक ओवरव्यू देता हूँ, अगर मैं इसको डीपली चला जाऊँ तो थोड़ा आप स्किप कर जाओगे, आप इस प्रोडक्ट को स्किप कर जाओगे, पर मैं वो चाहता नहीं हूँ। आप जस्ट कमेंट में, फर्स्ट कमेंट जो पिन कमेंट है, वहाँ से एक कोड उठाओ और आप चला के देखो, और चलाने के बाद जब आपको धीरे आप इसको गो थ्रू, आपको कॉन्फिडेंट आएगा और आप इजीली इसे मेक कर पाओगे और समझ पाओगे। सो मैंने क्या किया, जो रेड है, रेड है और ग्रीन है और ब्लू, ये थ्री कलर्स हैं, इन तीनों की इंटेंसिटी को हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। जो हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया था, ये अलग अलग कंडीशन पे, इफ़ कंडीशंस पे, यहाँ पे 511 और यहाँ पे एल्स। इफ़ एल्स क्या होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, ठीक है, तो अगर ये ट्रू हो गया तो ठीक है, ये तीनों में बाकी दोनों में से कोई नहीं चलेगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स हुआ तो ये चेक करेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो फिर ये नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर ये ट्रू नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो एल्स चलना ही है, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में से अगर कोई नहीं चला तो ये चलेगा, ओके। अब वो जो हमने वैल्यू तीनों की सेट की है, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करा दे रहे हैं, ठीक है, राइट कर रहे हैं उस वैल्यू से, ये हम वैल्यू सेट कर दे रहे हैं। तो उस इंटेंशन से स्लोली वो जैसे वैल्यू चेंज हो रही है, और ईच वैल्यू में इतना डिले करके वो देगा, तो इसलिए वो स्लोली चेंज हो रहा है एक कलर से दूसरे कलर में, बस अब इतना सुनना। तो यही सिंपल कोड था। अगर आपको इसको ऐप के थ्रू कंट्रोल करना है तो आप मेरे जो लास्ट वीडियो, जो मैंने पहली वीडियो अपलोड कर रखी है, आई थिंक 3 ईयर्स पहले जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ऑडियो की, जो एडवांस कुछ प्लेयर्स मैंने बना रखे हैं, वो आप विजिट कर सकते हो। और या फिर आप ये बेसिक ट्यूटोरियल्स अगर आप कर रहे हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ पर अगर मैं दोनों को अपलोड करूँगा तो भी काम करेगा। और मैं चाहूँ, जैसे कि ये है, इसको मैं भी कमेंट को हटा देता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे कितनी बार भी कॉल कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं कितनी बार भी कॉल करके इसको कर सकता हूँ, ठीक है। अब जितनी बार कॉल करना चाहो उतनी बार कॉल कर सकते हो। तो जैसे मैंने कनेक्ट किया, अब यहाँ पे देखना, इसने अपने आप पोर्ट सेलेक्ट कर लिया है, इस पोर्ट में कनेक्ट कर रखा है और आर्डुइनो, और सिंपल आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देना, ये अपलोड हो जाएगा। अटैम्प्ट ले सकते हो आरजीबी के साथ। आप भी जितने भी हमने अभी तक ट्यूटोरियल्स किए हैं उनका यूज़ करके इसमें और चेंजेस कर सकते हो। इसमें जो वेरिएबल्स मैं यूज़ करता हूँ, उसमें जो वैल्यूज़ यूज़ करता हूँ, उसको आप चेंज करके और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसमें इफेक्ट ला सकते हो, ठीक है। जो हमने पहले ब्लिंकिंग का यूज़ किया या फेड इन फेड आउट का यूज़ किया, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप तीन एडिटिंग समझ के इसे, जो हमने पहले चीज़ें की हैं वो भी करोगे, स्लोली स्लोली चेंज कराओगे, तो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोड्यूस होगा इससे। तो इसलिए इसको आरजीबी कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 LEDs होती हैं, रेड ग्रीन ब्लू, जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, जैसे जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, या फिर प्रोडक्ट्स जो बना रहा हूँ वो अच्छा लगा हो, या फिर आपको कुछ और चीज़ें ऐड करानी है वीडियोज़ के अंदर कि आप ये भी करके दिखाओ, तो वो सब आप कमेंट कर सकते हो। और प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो यहाँ तक, तो कुछ ना कुछ कमेंट करके जरूर जाओ। इस वीडियो में नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।